सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आयुर्वेदिक हर्ब को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आपको आयुर्वेदिक टिप्स सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आरके राय आपका अपना चैनल आयुर्वेदिक हर्ब में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चेहरे की झुर्री हटाने के कुछ आसान घरेलू उपाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झुर्री आना एक एज के साथ स्वाभाविक है। एक एज के बाद धीरे धीरे हर इंसान को कुछ न कुछ झुर्रियाँ दिखाई देती हैं। जिनकी स्किन पतली होती है उसको यह जल्दी ही दिखने लगती है, जो कि यह स्वाभाविक है। लेकिन हम रेगुलर और सही तरीके से इसकी देखभाल करें तो इसको कम या तो धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि यह सबसे पहले माथे और आँखों के नीचे मालूम पड़ती है, और फिर हाथ पैर और गले पर भी इसका असर धीरे धीरे दिखने लगता है। टिप्स बताने से पहले हम बताते हैं कि त्वचा पर झुर्री पड़ने के कुछ कारण हैं। नंबर 1, उम्र का बढ़ना। नंबर 2, विटामिन डी और सी की कमी का होना। नंबर 3, ज़्यादा टेंशन लेना। चौथा सबसे मेन कारण है प्रदूषण। प्रदूषण की वजह से भी झुर्रियाँ आना का एक मुख्य कारण भी है। तो आइए हम बताते हैं इसके कुछ घरेलू टिप्स। सबसे पहले आप एक लाल पका हुआ केला लीजिए और इसको अच्छी तरह मसल कर इसका पेस्ट बना लीजिए, और फिर इसको अपने चेहरे और गले में लगा करके आधा से एक घंटा छोड़ दीजिए, और फिर ठंडे पानी से इसको अच्छी तरह से धो लीजिए। यह झुर्रियों के लिए काफ़ी असरदार है। चौथा है अनानास का रस। अनानास के रस को 10 मिनट चेहरे पर लगाने के बाद धो लीजिए। अनानास के अंदर विटामिन सी पाई जाती है, यह स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए ही बहुत फायदेमंद है। तीसरा है उड़द की दाल। उड़द की दाल को रात भर दूध में भिगोकर सुबह इसका पेस्ट बना लें, और इसमें कुछ बूंद गुलाब का जल मिला करके अपने चेहरे पर लगाएँ, और फिर एक घंटे के बाद इसको धो लीजिए, और फिर गुलाब जल लगा करके अपने चेहरे पर छोड़ दीजिए। चौथा है एलोवेरा का गूदा निकाल कर इसकी मोटी लेयर अपने चेहरे पर लगाएं, और जब यह सूख जाए तो इसे धो लीजिए, और फिर इसके बाद में थोड़ा सा गुलाब जल लगा कर करके छोड़ दीजिए। इससे भी झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। पांचवा है थोड़ा सा गुलाब जल लीजिए, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, बेसन लीजिए और मलाई लीजिए। चारों बराबर मात्रा में मिला कर करें अपने चेहरे पर लगाएं, और फिर सूखने के बाद इसको धोने और फिर सूखने के बाद इसको धो लीजिए, फिर अपने चेहरे पर गुलाब जल लगा करके छोड़ दीजिए। उपरोक्त यह सारे आयुर्वेदिक टिप्स कोई एक करें और नियमित करें। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार निश्चित रूप से करें, आपको इसका असर जरूर दिखेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं, जैसा कि टेंशन ना लें, धूप में ज़्यादा ना घूमें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, विटामिन डी और सी भरपूर मात्रा में लें, और कम से कम एक नींबू रोज़ ज़रूर पिएं, क्योंकि नींबू के अंदर विटामिन सी पाई जाती है। यह स्किन के लिए, झुर्री के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह आपको सही लगी तो आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक करना न भूलें। हम कुछ और अपने नए वीडियो में नए टिप्स के साथ आपके साथ जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।